पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो कहता है कि हाउ टू मिनिमाइज मिस्टेक्स एंड नेगेटिव मार्किंग, ये प्रीलिम्स रिलेटेड सवाल है, कवर करिए सर। देखिए टोटल 200 क्वेश्चंस सीजीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, दोनों पेपर मिला करके 100-100, और ये जो पेपर होता है इसमें 100 में से 100 क्वेश्चन नहीं करने होते हैं और 200 कट ऑफ नहीं जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि पिछले कुछ सालों में ट्रेंड कैसा चल रहा है उसके आसपास, और दूसरी बात पेपर अगर टफ होता है तो सभी के लिए टफ है, ठीक है। अगर क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई है तो सभी के लिए हाई है, तो कट ऑफ रिलेटिवली डाउन होता है, और अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इजी या मॉडरेट होता है तो कट ऑफ रिलेटिवली हाई होता है। तो इस हिसाब से अगर आप अननेसेसरी गेस वर्क से बचेंगे तो आपके नेगेटिव कम हो सकते हैं। सर इसमें कुछ इनपुट जी आप? बिल्कुल, इसमें मैं आपको यहाँ पर कुछ बोलना चाहूँगा। देखिए अभी जो समय है 2 महीने का, पहली बात तो यहाँ पर आपको एक टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जी। अगर टेस्ट जितना ज़्यादा आप ऑन स्पॉट जाकर एग्जाम हॉल पे दोगे, मतलब जो भी इंस्टीट्यूट पे आप ज्वाइन करते हैं वहाँ बैठकर जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, बजाय उसको घर में बैठ के अपने से सॉल्व करना। तो फर्स्ट थिंग तो आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और वहाँ जाकर एग्जाम एटमोसफियर को फील करना चालू करें और इस एग्जाम एटमोसफियर पर आप बैठेंगे। दूसरी बात आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि कैसे अपने मिस्टेक्स को मिनिमाइज करें। देखिए मिस्टेक को मिनिमाइज करना ये सब डिपेंड करेगा कि आप किस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप वन लाइनर क्वेश्चन कर रहे हैं और वहाँ पे गलती हो रहा है, मतलब आप अपनी रीडिंग स्किल्स को अच्छा करिए, बारीकियों से प्रश्नों को पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। पर अगर आप ऐसा ही टेस्ट सीरीज दे रहे हैं जिसमें सारे आंसर आपको आते हैं तो वहाँ तो गलतियाँ होंगी। तो ऐसा टेस्ट सीरीज जो आपको चैलेंज कर रहा हो वहाँ पर आपकी गलतियाँ ज़्यादा होती है। मिनिमाइजेशन करना होगा तो आपको पहले तो 3 से 4 चीज़ों को ध्यान रखना है। पहला, अननेसेसरली गेस वर्क नहीं करना है, गेसिंग करना है पर स्मार्ट गेस, मतलब आपने उस टॉपिक को पढ़ा है उसके ऊपर सोच पाते हैं तब तो जाकर ठीक है उसके ऊपर आप गैस कर सकते हैं। अब एक ऐसा चीज़ आ गया, जैसे अभी आप लोग सब अभी यहाँ पर यूट्यूब में जुड़े हैं, मैं अभी यहीं पर ऐसे पूछ लूँ कि यूट्यूब के फाउंडर कौन थे, कई लोगों को नहीं पता होगा। अब ये प्रश्न अगर एग्जाम में ऐसे ही आ गया, सपोज कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो आपसे नहीं बनने वाला, सिंपल सी बात है। अब उसमें आप तुक्का भी मारोगे तो वो गलत होने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि 100 मतलब अगर 4 ऑप्शन है तो आपको 100% नॉलेज का गैप है यहाँ पर। पर यहीं पर मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछूं जैसे कि जो आपको किसी को आता होगा, तो अगर उसमें आपको 50% नॉलेज है या 25% ही आपका नॉलेज गैप है तो यहां पर आप गैस कर सकते हैं कि हाँ एक को या दो को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मिनिमाइज करने के लिए पहली बात तो एलिमिनेशन टेक्निक सीखिए। अब एलिमिनेशन टेक्निक कैसे सीखेंगे, जहां भी आप टेस्ट देंगे वहां पर वो आपको एलिमिनेशन टेक्निक सिखाया जाना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे होता तो हम डिस्कशन के साथ एलिमिनेशन टेक्निक सिखाते हैं कि किस पेपर को सॉल्व कैसे करना था और क्वेश्चन की हैंडलिंग कैसे करनी है, तो ये दूसरा चीज होगा। और थर्ड थिंग जो सर मिस्टेक में ये भी लगता है कि बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, कई लोगों को हम टेस्ट में भी देखते हैं। देखो आप टेस्ट देने जाते हो या किस भी, तो आप 2 घंटे के लिए जाते हो। अब 2 घंटे के टेस्ट को बोलोगे कि मैं 10 मिनट में सॉल्व करूंगा तो इससे कुछ नहीं होने वाला। 2 घंटे के टेस्ट के लिए आप पूरा 2 घंटे का समय लीजिए, कहाँ भाग के जाना है, पीपीएससी अपने एग्जाम हॉल से बाहर नहीं निकलने का। तो टेस्ट सीरीज में भी वो 2 घंटे को आप पूरा बैठिए। क्यों बैठिए 2 घंटे, क्योंकि उस 2 घंटे में आपको 100 नए इन्फॉर्मेशन टेस्ट के थ्रू मिल रहे हैं। नंबर 2, अगर आप अपनी जिंदगी के लिए 2 घंटे नहीं निकाल सकते हफ्ते में, वो आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो अल्टीमेटली जिंदगी भी आपके लिए 2 घंटे नहीं निकालेगी, इस चीज़ को समझना है। तो प्रॉपर टेस्ट 2 घंटे एकदम एग्जाम हॉल में बैठ के दीजिए, सारे क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़िए, फिर उसका डिस्कशन होगा, तो क्या होगा वो इन्फॉर्मेशन भी आपकी स्टडी में ऐड हो जाएगा। लोग टेस्ट को ऐसे ले लेते हैं कि टेस्ट बस हो गया हमने पढ़ा और वही पूछा जाए, ऐसा नहीं होता। टेस्ट आपको सिखाने के लिए भी होता है, तो उस चीज़ों को। और यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा सर, प्रैक्टिस करते समय कुछ हर सवाल में एक की वर्ड होता है जी, जैसे कि बहुत से लोगों का सर मैंने देखा है, और ये नेगेटिव होने का जो रीज़न होता है वो होता है कीवर्ड्स, इनकरेक्ट जो क्वेश्चन के लास्ट में होता है और करेक्ट, हाँ एक ही, ये 2 वर्ड्स हैं, ये नॉट सर, नॉट वर्ड भी, ओनली ओनली, ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ये आप ध्यान नहीं देते हैं, क्वेश्चन के लास्ट में जुड़ा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए कुछ पहला स्टेटमेंट सही दिया हुआ है और आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, आपने पहला स्टेटमेंट पढ़ा वो करेक्ट है, आप उसको टिक मार के अलग मतलब आगे बढ़ जाते हो, आपको पता था उस क्वेश्चन का नॉलेज आपके पास था, लेकिन उसके बावजूद आप 0.66 नेगेटिव लेकर के जा रहे हो। तो इसमें एक वो भी है, अगर आपके पास 4 ऑप्शन है तो आप 4 ऑप्शन को पढ़ने के बाद टिक करिए, कई लोग एक ही ऑप्शन में, इसमें अक्सर क्या होता है एकदम नए बच्चों को ऑप्शन है इतना अच्छा दे देते हैं कि आपको लगेगा यही आंसर, पर वो कभी आंसर नहीं होता है, और आंसर हमेशा क्या होता है डी होता है। तो आप क्या करते हैं 4 ऑप्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आप 4 ऑप्शन को अपने क्वेश्चन के अच्छे से पढ़ेंगे, तो होप ये चीज़ें हेल्प करेंगी जिनका भी ये क्वेश्चन था उनको। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी से सी सेट क्वालिफाई करने की क्या रणनीति हो अगर अभ्यर्थी सीजी भाषा और मैथ्स में कमजोर है तो। सर ये 2 क्वेश्चन को एक साथ ले लेते हैं, सी सेट की रणनीति पूछ रहे हैं अगर मैथ्स और सी सेट में कमजोर है,
और आगे किसी ने एक क्वेश्चन ये भी दिया था कि सर सीसेट पे कौन से सेक्शन पे या टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो उसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा सीसेट। तो एक ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर दो चीज़ों की बात करेंगे। सीसेट को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, कई लोगों को यहाँ पर दिक्कत है, जिनको सीसेट पे दिक्कत नहीं है वो तो अच्छी बात है, बट सीसेट का एक इम्पॉर्टेंट होल्ड करेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहले बात करते हैं सर। इसमें सर आपको मैथ्स और रीजनिंग और के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल करेंगे और मैं भी आपको साथ में इनपुट देता चलूँगा। तो टॉपिक समझ देखिए, आपने बोला लैंग्वेज भी कमज़ोर है, ठीक है, तो हम लैंग्वेज पर पहले बात करेंगे। इससे पहले आते हैं मैथ्स और रीजनिंग पे। मैथ्स और रीजनिंग अगर आप इसके कुछ बेसिक टॉपिक से पढ़ लेते हैं तो आपके सीसेट क्वालिफाई हो सकती है। जैसे कि सीसेट अगर आपको पास करना है तो जनरल कैटेगरी से आपको 66 मार्क्स चाहिए और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 46 मार्क्स आने चाहिए। पिछले कुछ सालों में ट्रेंड में देखा गया कि सीसेट का पेपर टफ हो रहा है सर। लास्ट ईयर तो 66 लाने में बहुत मुश्किल था, ठीक है, 46 में भी फेल हुए हैं। हाँ सर, 46 में भी फेल हो रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है सर। इसका मेरे ख्याल से जो मुद्दा है या मुख्य कारण है वो कि लोग सीसेट पे ध्यान नहीं देते, और यही कारण है कि हम लोग टेस्ट सीरीज में हर टेस्ट में हम लोगों ने एक टॉपिक दे रखा है सीसेट का भी, और उसके अकॉर्डिंग 10 क्वेश्चन हमारे टेस्ट में सीसेट में आ भी रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि आप मैथ्स की जो टॉपिक है बहुत सिंपल सिंपल से टॉपिक है, रेशियो प्रोपोर्शन लिस्ट डाउन करवा देते हैं। एक आप क्या बोल रहे हैं, रेशियो प्रोपोर्शन, तो रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात वाले जो सवाल आते हैं वो कर लेंगे। इसके बाद प्रॉफिट लॉस एक सब टॉपिक है ना, प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि जो टॉपिक है। फिर टाइम एंड वर्क तो आता ही है, हर साल एक क्वेश्चन आएगा आपका, टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस टाइम, समय कार्य डिस्टेंस और टाइम, ठीक है, समय कार्य पे जो प्रश्न आते हैं सर। इसके अलावा ब्याज वाला जो है, ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स नेचर हर साल एक नई सवाल आ रहे हैं। एक प्रश्न आ जाएगा आपका एवरेज से एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन परसेंटेज, और इसमें से कहीं कुछ टॉपिक से दो क्वेश्चन भी आएंगे। तो अगर आपने इतने टॉपिक को अच्छे से किया है तो मैथ्स के सवाल यहाँ से आपको बन जाएंगे, ठीक है ना, इतने से आपका मैथ्स का सवाल। और इसमें एवरेज परसेंटेज अच्छा करने से क्या होगा कि ये रीजनिंग में हेल्प करेगा जी, जी। और रीजनिंग में तो मैं आपको इस 5 से 6 टॉपिक बता रहा हूँ, ये 6 टॉपिक आप अच्छे से कर लो, आपको रीजनिंग के लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आप पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो इसमें सर वो है आपका एक बार चार्ट और पाई चार्ट, बार चार्ट और पाई चार्ट पक्का आएगा, 4 लिंक क्वेश्चन आ जाते हैं सर, डेटा इंटरप्रिटेशन वाला। हाँ वही सर, उससे बोल रहा है ना। उसके बाद पजल और कोडिंग डिकोडिंग, पजल के साथ साथ कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना, जो बॉक्स जमाने वाला होता है, मिसिंग अरेंजमेंट करने के लिए होता है, तो पजल और कोडिंग डिकोडिंग एक टॉपिक होगा, उसको अच्छे से करेंगे। सबसे आसान टॉपिक 5 से 6 क्वेश्चन दे देता है हर साल, सिलोजिज्म्स। हाँ सिलोजिज्म्स, ठीक है ना। इसमें आपका होता है कि एक हाथी शेर है, ठीक है ना, सभी शेर बिल्ली हैं, तो इस तरह का जो क्वेश्चन आता है वो डेफिनेटली 5 से 6 आते हैं। तो ये तो देखो, आप इन टॉपिक्स को एकदम अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, यहाँ से आपके सीधे 20 क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे। देखो आपको टोटल 66 नंबर लाना है, तो पहली बात तो लैंग्वेज अगर आपका अच्छा है तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। फिर उसके बाद आपका मैथ्स और रीजनिंग, अगर आपने रीजनिंग में से 16-17 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और लैंग्वेज में से भी आपने कितने लगभग 20 क्वेश्चन के 20-22 क्वेश्चन, क्योंकि आसान आता है लैंग्वेज, अगर इसको सॉल्व कर दिया तो आपको फिर और कुछ जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, अराउंड आप 40-45 क्वेश्चन में पहुंच जाते हैं। उसके बाद मैथ्स का आप मुश्किल से अगर 10-12 क्वेश्चन भी कर जाते हैं, 10 क्वेश्चन भी, तो आप पास हो जाएंगे। बेवजह का अननेसेसरी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, वहां पर जाकर जो टफ होगा पहले से आप डिफाइन करके रखोगे, मैंने इतने टॉपिक पढ़े हैं और इस टॉपिक के क्वेश्चन को खोज के सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व करेंगे, खोज के सॉल्व करेंगे, तो जाके आपको बेनिफिट मिलेगा सर। इसमें और भी टॉपिक है, पाई चार्ट हो गया, ये हो गया, अच्छा एक हमारे यहाँ पर पक्का आता है क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट सर, सीक्वेंस सीरीज वगैरह, सिटिंग अरेंजमेंट से हमारे यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में अक्सर, तो सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से कर लेंगे। और एक होता है आपका ब्लड रिलेशन। अब इसके बाद जो भी है टॉपिक आपको पढ़ना है, डाइस, क्यूब, जो भी पढ़ना पड़े, पर इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि 20 क्वेश्चन के आसपास ये कवर कर देते हैं जी, ये टॉपिक कर देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक से अधिक क्वेश्चन वाले, एक क्वेश्चन होगा उसके 3 से 4 उसके लिंक क्वेश्चन होते हैं। तो कोशिश करना कि इतने टॉपिक रीजनिंग के अच्छे से कर लिए, ये टॉपिक आपने मैथ्स का अच्छा कर लिया, और इसके बाद फिर लैंग्वेज में छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस कर लेना, क्योंकि सीसेट में ज़्यादा करके छत्तीसगढ़ी के शब्दावली खूब पूछे जाते हैं, ठीक है ना। उसमें भी बेसिक टॉपिक्स, वर्ण व्यवस्था सर आ ही रहा है, 2 क्वेश्चन तो आ ही रहा है वर्ण व्यवस्था से। हाँ सर, तो वर्ण व्यवस्था तो पक्का एक क्वेश्चन आता ही, एक या 2 क्वेश्चन वर्ण व्यवस्था खींच लेता है आपका। ये जो लैंग्वेज है ये आप अभी से प्रिपेयर कर रखोगे, मेंस में भी काम आएगा, क्योंकि मेंस में लैंग्वेज एक सिग्निफिकेंट जो गैप होता है ना वो क्रिएट कर देता है, तो आप इसको ध्यान देंगे। सर एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, लैंग्वेज
मैथ्स और रीजनिंग, इसमें से कोई ना कोई तो आपका एक ऐसा टॉपिक होगा जिसपे आप स्ट्रांग होंगे। आप किसी पे भी फोकस करिए और बाकी दो जो है उसका थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से ये निकल जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज ध्यान देंगे कि इसका प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप लैंग्वेज की भी प्रैक्टिस कीजिए, मैथ्स की भी प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग की प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना नेगेटिव कम होगा और आपकी इस पेपर को क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ेंगे। और प्रीवियस दो ईयर का पेपर पूरा सॉल्व करो, जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आए वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लैंग्वेज में सर कुछ टॉपिक्स नोट डाउन करवा देते हैं, तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए इन टॉपिक्स को लैंग्वेज में लिख लेंगे। वर्ण व्यवस्था सर एक टॉपिक ये हो गया, एक भाषा का उद्विकास जो इजी टॉपिक है, क्वेश्चन अक्सर आता है भाषा का उद्विकास, मतलब कैसे लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, हिंदी कैसे बनकर आई, छत्तीसगढ़ी कैसे बनकर आई, तो भाषा का उद्विकास। सामान्य पर्यायवाची, जो बेसिक लेवल के पर्यायवाची आते हैं, ठीक है ना, कमल का, बादल का, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो बेसिक लेवल वाला पर्यायवाची नहीं छूटना चाहिए आपका। इसके बाद समानार्थी भी आता है सर, पर्यायवाची, और कई बार छत्तीसगढ़ी शब्दावली, छत्तीसगढ़ी शब्दावली तो 10 क्वेश्चन के आसपास हो जाता है। छत्तीसगढ़ी शब्दावली, छत्तीसगढ़ के जो शब्द हैं आप विनय कुमार पाठक की पुस्तक उठाइए, उसके पीछे अच्छे से दिए हुए हैं, पढ़ लेना, छत्तीसगढ़ी शब्दावली से काफी प्रश्न आते हैं। इसमें खास करके सब्जी, फल, पक्षी, पशु, ये जो टॉपिक्स होते हैं इसमें ज्यादा पूछे जाते हैं और सामान्य ही पूछा जाता है वो। आप छत्तीसगढ़ी के जो देशज विशेषज शब्द पढ़ते हैं ना, उसमें छत्तीसगढ़ी के जो शब्द होते हैं देशज वाले वो, और अनेक शब्दों के एक शब्द जो छत्तीसगढ़ी के दिए हुए हैं उसमें वो भी कर लेना। ये कुछ टॉपिक्स हैं जहां से आपके मेजर 15-16 क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर अगर आपका ग्रामर अच्छा है, संज्ञा सर्वनाम सब आपको आती है, फिर तो आप डेफिनेटली वहां पर अच्छा करोगे। सर ग्रामर में कुछ ही टॉपिक्स हैं जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, सर उसको आप मेंशन कर दीजिए उधर इधर आप। ग्रामर में कुछ टॉपिक्स हैं जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण या क्रिया, ये सारी चीजें अगर आप कर लेंगे तो आपका समास और संधि दो चीज और उसमें ऐड कर लेंगे, तो ये इतना कर लेंगे तो आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन मोटामोटी कवर हो जाएगा। जिनको ग्रामर अच्छे से समझ नहीं आती, प्लीज इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना। यहाँ जो लिखा है आपका लगभग 15 क्वेश्चन कवर करके वो देगा। फिर आपको अगर ग्रामर नहीं आती, हिंदी ज्यादा समझ, तो ये कवर करो और उसके बाद आप रीजनिंग को थोड़ा सा और अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। डेली बेसिस में आप एक टाइम बना लो, डेली बेसिस में, कि ये 2 आवर्स के अंदर या 1.5 घंटे के अंदर, जिनको सीसेट में दिक्कत है 1.5 घंटे या 2 घंटे का स्लॉट बना लो, डेली आप उस टाइम पर पढ़ो सीसेट को। अभी से पढ़ोगे जनवरी में आपको प्रेशर जब और बढ़ेगा तब ये होगा कि सीसेट आपका तैयार होगा, तो आप जीएस पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। पर आप बोलोगे कि नहीं मैं जनवरी में चालू करूंगा, तो डेफिनेटली याद रखना कि फरवरी में आप नहीं पढ़ रहे होगे सीसेट और हमेशा की तरह वो दिक्कत में आपके आएगा, तो उस चीज को रेक्टिफाई करना है।